आप सबका बहुत बहुत आभार कि आज आप लोगों ने इस विषय पर यह परिचर्चा आयोजित की है और विषय बहुत महत्वपूर्ण है और मुझे लगता है कि बिल्कुल युक्ति संगत है इस कॉलेज के लिए। लेकिन इस विषय को समझने के लिए थोड़ा सा हमें कुछ एक बातों को जानना और समझना जरूरी होगा, क्योंकि कई बार हम को जिस रूप में समझ रहे होते हैं ये वैसे नहीं होते, और वही मैं लगभग अगले 20-25 मिनट में आप लोगों के साथ बात करूंगा कि इस सारे विषय को लेकर के हम लोगों में जो हमारी ओपिनियंस हैं, हमारी जो समझ है, हमें जो एक फॉल्स सेंस ऑफ एम्पावरमेंट है वो क्या होती है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट है इसका, और साथ ही साथ जो भारतीय परंपरा में आपका जो एम्पावरमेंट का कॉन्सेप्ट है, उन सबको मैं कोशिश करूंगा कि सबको जल्दी से जल्दी कवर कर सकूं, और वो भी इसलिए ताकि हम लोग सचमुच जो एम्पावरमेंट का अर्थ हो सकता है उसको सही सही समझें कि किन अर्थों में हमें एम्पावर होने की जरूरत है। तो विषय की ओर हम अग्रसर होते हैं और जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख ही पा रहे हैं कि वर्तमान परिदृश्य में शाक्त दर्शन एवं स्त्री सशक्तिकरण, शाक्त दर्शन के विषय में सामान्य रूप से जानकारी नहीं होती, लेकिन हम एक अनुमान लगा लेते हैं कि शक्ति का अर्थ है कि भाई पावर एनर्जी, जो भी आप अंग्रेजी में उसका अनुवाद कर लेते हैं, तो उसकी जो उपासना करने वाले लोग हैं वो आप शाक्त तो हो गए और उनका जो दर्शन है शक्ति को लेकर के उसको आप समझ लेते हैं। और स्त्री सशक्तिकरण लेटर पीरियड का शब्द है जिस अर्थ में आज हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, उसकी पृष्ठभूमि मैं आप लोगों के साथ बहुत जल्दी साझी करूंगा। तो सीधे आप अपनी इस के ऊपर आप देख पा रहे हैं कि स्त्री सशक्तिकरण जिन अर्थों में आज हम प्रयोग करते हैं कि वो उन्नति करे, तरक्की करे, प्रोग्रेस करे, इस तरह की शब्दावली में हम लोग उसकी बात करते हैं, और उसकी जो है वो पर्सनैलिटी डेवलप हो और उसको हर तरह का जो है डिसीजन मेकिंग में उसके पास सशक्तता हो कि जो वो चाहे, जैसे वो चाहे, जो करना चाहे वो कर सके। तो एक तरह से एक पक्ष ये है, और दूसरा ये है कि जो मनुष्य करता है, पुरुष करता है, मेल करता है, वैसे ही जो है वो फीमेल कर सके, इस अर्थ में हम फेमिनिज्म को ले लेते हैं। तो दो शब्द बहुत पास पास के हैं, इन दोनों शब्दों के बारे में आपको पता होना चाहिए, एक फेमिनिज्म और दूसरा एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट, और वो मैं आप लोगों के साथ अभी बात करूंगा। और जो वस्तु स्थिति है पूरे विश्व में और भारत में, वो एम्पावरमेंट की स्थिति आप यहाँ देख सकते हैं कि लेबरर क्लास से लेकर के जो टॉप मोस्ट IAS या CEOs हैं वहां तक की यात्रा स्त्रियों की है। उन सब के बीच में वस्तुतः एम्पावर्ड कौन है, वो एक सोचने और विचार करने का विषय है जिस पे हम चर्चा करेंगे। दूसरी तरफ मैं जिस दृष्टि से आप लोगों से बात करूंगा वो इस दृष्टि से है जहां पर हम ये मानते हैं कि या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण शक्ति रूपेण संस्थिता, कि वो स्त्री क्या है, बुद्धि रूप में कभी है, कभी शक्ति रूप में है, कभी अन्य अन्य रूपों में है। तो उस दृष्टि से हम इस वुमेन एम्पावरमेंट जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल शब्द है उसके संदर्भ में हम बात करेंगे। अब इससे इस शाक्त दर्शन को लेकर के हमें बात क्यों करनी चाहिए और वर्तमान संदर्भ में क्योंकि हमने बात करनी है, इसलिए सबसे पहले वर्तमान संदर्भ आप समझ लीजिए कि क्या है, कि हमारे समाज की इस वक्त चुनौतियां क्या है। एक उसमें जो सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त आ रही है जहां वुमेन एम्पावरमेंट की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, एम्पावरमेंट का मतलब है डिसीजन मेकिंग आप कर सकें, कि सबसे बड़ी जो इस वक्त चुनौती आ रही है वो है आपके इमोशनल क्राइसिस पैदा हो रहे हैं, क्योंकि सब जगह जो है कहीं ना कहीं बिट्रेल है, कहीं ना कहीं अपने स्वार्थ हैं। मैं उसमें व्याख्या में नहीं जा रहा, तो समय को ध्यान में रखते हुए मैं आप लोगों के साथ बात करूंगा। तो इमोशनल क्राइसिस इस वक्त सबसे बड़ा है
जिस जहां पर आपको एम्पावर होने की जरूरत है कि मेरी भावनाएं मेरे नियंत्रण में हो और मैं उत्तद अनुकूल निर्णय कर सकूं। दूसरा जो प्रॉब्लम आती है वो है कार्मिक द्वंद्व, जिसे हम कहते हैं कि एक्शन कॉन्फ्लिक्ट जो आपका है कि आप करना किसी और तरीके से काम करना चाहते हैं अपने ऑफिस में अपनी वर्किंग कंडीशंस में, लेकिन आपको दबाव होता है कि किसी और रूप में आपको काम करना पड़ता है, तो वहां आपको एम्पावरमेंट की जरूरत पड़ती है कि आप चाहते हैं कि मैं इस तरह से ये कार्य ना करूं, लेकिन आपका बॉस आपका ऑफिसर आपको कहता है कि नहीं ये ऐसे काम होगा, तो कई बार नैतिकता के प्रश्न और बहुत सारी चीजें उसमें इन्वॉल्व होती हैं, तो ये कार्मिक द्वंद्व है। फिर उसके बाद ज्ञानात्मक द्वंद्व है। ज्ञानात्मक द्वंद्व या इंटेलेक्चुअल कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है कि निरंतर जितनी एक्सपेंशन हो रही है ज्ञान की, उसमें हम लोग उसके साथ मिलके नहीं चल पाते। जितनी देर में हमने कंप्यूटर सीखा उतनी देर में AI आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई। जब तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ होंगे तब तक दुनिया कुछ और सोचने लगेगी, तो निरंतर एक कॉन्फ्लिक्ट बना रहता है इंटेलेक्चुअलिज्म का कि जो आप जानते हैं वो इररेलेवेंट हो जाता है समय के साथ। तो इसलिए वो भी आपके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है एम्पावर होने में कि हम उतने ज्ञानवान नहीं हो पाते। चौथी जो सबसे बड़ी समस्या है वो है शाब्दिक अतिचार कि हम जिस तरह से शब्दों का प्रयोग करते हैं वो रेलेवेंट होते ही नहीं है कि जो हम कह रहे होते हैं ना समझने वाला समझ रहा होता है और जो हम कहना चाहते हैं उसके लिए वो शब्द पर्याप्त नहीं होता। और यही चीज मैं अभी आपको दिखाऊंगा भी कि कैसे जिन शब्दों का आप और हम प्रयोग कर रहे हैं वो कितने असंगत और व्यर्थ के हैं, बिना सोचे समझे हम कैसे भाषाई अतिचार अपने साथ और दूसरों के साथ कर रहे हैं। अब जो दूसरी बात जानने वाली है कि इस वुमेन एम्पावरमेंट से होगा क्या हमारी दृष्टि के हिसाब से, जहां मैं कह रहा था ये कि या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, होगा क्या? दो चीजें उससे होंगी। एक तो आप बंधन से मुक्त होंगे, जो अनावश्यक बंधन पड़ गए हैं कि संकोच के मारे हम कुछ नहीं कह पाते, किसी की इज्जत की वजह से नहीं कह पाते, बहुत सारी ऐसी बातें हैं। लेकिन अगर वो आपको कहना आ गया, अगर वो आपको फ्रीडम मिल जाती है, तो आपको ये भी साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी कि आई विल बी ए रिस्पॉन्सिबल फ्रीडम सीकर, आई विल यूज रिस्पॉन्सिबली दिस फ्रीडम। तो फ्रीडम को करना क्या है, कैसे उसका प्रयोग करना है कि मुझे फ्रीडम मिल गई कि मैं सारी रात बैठा जो है वो TV देख रहा हूं या मोबाइल देख रहा हूं, तो ये तो फ्रीडम का मिसयूज है। तो सेंसिबली आपने फ्रीडम कैसे यूज करनी है ये आपको शाक्त दर्शन समझाता है। ये आपको कानून नहीं समझाएगा, ये आपको कॉन्स्टिट्यूशन नहीं समझाएगा, ये कोई आपको जो प्रोफेशनली बोलने वाले लोग आते हैं वुमेन एम्पावरमेंट वाले, वो आपको ये नहीं बताएंगे। दूसरी बात जो है आपको जो सीखने को मिलेगी यहाँ पे वो है कंपल्सिव चॉइसेस और कॉन्शियस चॉइसेस के बीच में फर्क करना। अभी तो हम जो सोचते हैं कि मुझे ये चीज पसंद है हम उसकी ओर अग्रसर हो जाते हैं क्योंकि जो मीडिया है वो आपको कंडीशन करता है, तो उसके बीच में एक समझ का पैदा करना वो आपको शाक्त दर्शन सिखाता है कि शाक्त दर्शन के अनुसार आप कॉन्शियस, आप सोच समझ करके कैसे किसी भी चीज को चुनेंगे, कैसे आप उसको स्वीकार करेंगे, ये वो सिखाएगा या बताएगा भी। फिर एक चीज और जो जानने और समझने वाली है कि वुमेन एम्पावरमेंट तो ठीक है लेकिन वो परिवर्तन भी तो आ रहा है कि कल हम छोटे बच्चे थे आज बड़े हो गए और बड़े हो गए कल को वृद्ध होंगे और मर जाएंगे, ये नेचुरल चेंज तो आएगी। तो वुमेन एम्पावरमेंट कब शुरू होगा, किस स्थिति से आपका वुमेन एम्पावरमेंट शुरू होगा, तो उसके लिए जरूरी है कि हम अपने जीवन में डायरेक्टिव चेंज, निर्देशित परिवर्तन लाने का प्रयास करें। तो शाक्त दर्शन आपको वुमेन एम्पावरमेंट के लिए सिखाता है कि अपने जीवन में निर्देशित परिवर्तन कैसे लाना है, कि क्या करना है क्या नहीं करना आई विल डिसाइड, लेकिन वो रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसीजन मेकिंग होगी, वो फ्रीडम का एक सेंसिबल यूज करने के अर्थ में होगी। और चौथी बात जो आप शाक्त दर्शन से, जिस कॉन्टेक्स्ट में ये सारी बातें करने जा रहे हैं, वो आप क्या सीखेंगे, इंटेलेक्चुअल से सेंसिबल ह्यूमन बीइंग की ओर चलेंगे। इस सेंसिबल वुमन की हमें जरूरत है, एक सेंसिबल स्त्री की जरूरत है जो सब कुछ समझती है, जानती है और तदनुकूल फिर वो निर्णय करके कार्य करती, ये नहीं इम्पल्सिवली। तो इंटेलेक्चुअल और सेंसिबल में ये फर्क है कि केवल आप बुद्धि से सब कुछ ठीक कर लेंगे
ऐसा नहीं होता, ऐसा हो भी नहीं सकता। बुद्धि से आप एक सीमा तक काम कर सकते हैं, कैलकुलेशंस कर सकते हैं, लेकिन सेंसिबल होना, बोध जिसे आप कहते हैं संस्कृत में, उस बोध से आप पूरे पूरे एक व्यापक रूप में चीजों को देखते हैं, स्थितियों को, परिस्थितियों को देखते और समझते हैं। और जब ऐसी को, ऐसी नारी को हम एम्पावर कर पाएंगे, वो एम्पावर्ड होगी, तो लोक मंगल होगा, लोक का कल्याण होगा। अब इसका एक संदर्भ समझ लें, ये बड़ा महत्वपूर्ण बात है और ये आपको उस पे नहीं मिलेगा, नेटवर्क पे नहीं मिलने वाली चीज है, कि ये वुमेन एम्पावरमेंट की आखिर बात करने की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों कर रहे हैं हम लोग और कहां से आ रही है उठ करके। तो सबसे पहले आप देखिए कि एक तो अंग्रेजी और संस्कृत के अंतर को समझिए और तब आपको ये पता लगेगा कि ये बातें आ कहां से रही हैं वुमेन एम्पावरमेंट की। क्या सचमुच आप एम्पावरमेंट चाहते थे या आपको बार बार कहा गया, आपको टोका गया, नहीं नहीं यू शुड बी एम्पावर्ड, यू शुड टेक डिसीजन, यू शुड मेक अ डिसीजन, या इस तरह से किया गया और क्यों किया गया और वो कौन से लोग थे जहां पर ये चीजें शुरुआत की गई। जो हमारे पास भाषा है, यानी कि हमारे पास आपके और मेरे पास भाषा है, भारतीय भाषाएं, वो यहां से शुरू होती हैं, अहम से और अस्मि की। ये बातें मैं पहले भी कह चुका हूं कई बार, लेकिन दोहरानी जरूरी है क्योंकि ये बात जब तक हमारे मुंह में नहीं बैठेगी तो हम बदलने वाले नहीं है, हमें नहीं पता लगेगा। अब ये अहम से लेकर अस्मि के बीच में आप सारी दुनिया को समेट सकते, मैं हूं के बीच में आप सारा ब्रह्मांड, सारे संसार, सारे संबंध, हर तरह की चीज को आप समेट सकते हैं, तो आपकी एम्पावरमेंट तो ऑटोमेटिकली होने की जरूरत नहीं है, आपको एम्पावर होने की जरूरत नहीं है, आप एम्पावर्ड है आपकी भाषा के द्वारा। लेकिन जब आप अंग्रेजी में जाते हैं तो अंग्रेजी आपको क्या कहती है कि मैं आई एम एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि आपने भेद कर लिया, आपने विभाजन कर लिया। अब आपको संघर्ष करना पड़ता है कि नहीं, मुझे एम्पावर होना है क्योंकि मैंने दुनिया की बाकी चीजों को समेटना है, अपने अधीन लाना है। तो आपने एक संघर्ष पैदा कर लिया, सो यू विल टॉक अबाउट द फेमिनिज्म, यू विल टॉक अबाउट द एम्पावरमेंट इश्यूज। तो ये भाषाई परिप्रेक्ष्य में आगे की चीजों को आप देखिए। अब आप कल्चरली, अगर आप इस चीज को देखें कल्चरली एंड सिविलाइजेशनल एस्पेक्ट से देखें, तो ये सारी की सारी जो शुरुआत होती है ये ग्रीक से होती है और दूसरा अब्राहमिक रिलीजन से शुरू। ग्रीक सिविलाइजेशन में क्या हुआ कि वहां पर सबसे ज्यादा जोर इस चीज का है कि भाई कुछ अचीव करके दिखाओ। सिकंदर आपने पैदा किया किस लिए, कि मैं दुनिया को जीत के दिखाऊंगा। वहां की सारी जितनी आप स्टोरीज माइथोलॉजी पढ़ेंगे वहां पर अचीवमेंट है, देवताओं से जाके लड़ो और उनसे चीजें चुरा के ले आओ। वो चाहे आप अग्नि को चुरा के लाओ, आप पृथ्वी को लेकर के आओ, मतलब जिन्होंने ग्रीक माइथोलॉजी थोड़ी बहुत पढ़ी होगी वो जानते हैं कि वहां पर हमेशा एक संघर्ष है और उसमें अचीवमेंट जो है उसी को सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन दूसरी ओर आप नीचे की ओर देखिए, ये जो अब्राहमिक रिलीजन्स हैं इनमें दो ही चीजें महत्वपूर्ण होती हैं। इसमें क्या है कि जो आपका लीडर है वो आपसे प्रॉमिस करता है कि आई विल टेक यू लैंड ऑफ मिल्क एंड हनी, यानी कि आपको मैं इनाम दूंगा, आपको एक ऐसी खूबसूरत दुनिया में लेके चलूंगा, बट यू हैव टू फॉलो माई कमांडमेंट्स एंड माई डिसिप्लिन। तो अब्राहमिक रिलीजन का बेसिक पर्पस क्या होता है कि कमांडमेंट्स और डिसिप्लिन जो है वो सेलिब्रेट करना होता है। तो वही आपकी एम्पावरमेंट है कि आपने उसको लीडर को एक्सेप्ट कर लिया एंड यू आर फॉलोइंग दैट कमांडमेंट्स, तो सो यू आर एम्पावर्ड। अब इसके बीच में हुआ क्या कि समय बीतने के साथ साथ क्या हुआ कि बीच में आपके ये सारे आधुनिक जो इंटेलेक्चुअल थे, साइंस के लोग थे, जिसमें चार्ल्स डार्विन, जिसने आपको क्या बताया, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। हालांकि ये चार्ल्स डार्विन की कोटेशन नहीं है, उसके साथियों की है, लेकिन कि वो पूरे का पूरा ग्रुप था तो उनका क्या था, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। अब औरत को जब आपने ये कह दिया कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, तो आपको संघर्ष करना पड़ेगा, यू हैव टू एम्पावर योरसेल्फ। दूसरी, आपने सिगमंड फ्रायड आए मंच के ऊपर, दुनिया के संसार के मंच पर आए, उन्होंने सिखा दिया कि सेक्सुअलिटी इज द बेस्ट थिंग, वही सब कुछ है, वही सब कुछ दुनिया चला रही है, तो उन्होंने ये सिखा दिया हमें। ये दूसरा एक एंगल इस सारे में आ गया।
तीसरे जो कार्ल मार्क्स थे वो जब मंच के ऊपर आए उन्होंने बताया कि नहीं, इकोनॉमी इज एवरीथिंग, यू नीड मनी। सो अब ये तीन लोग, चार्ल्स डार्विन, सिगमंड फ्रायड और कार्ल मार्क्स, इन तीनों ने मिलके इसके ग्रीक वे और अब्राहमिक के बीच में ऐसा एक क्योस पैदा कर दिया, एक ऐसी मेंटेलिटी बना दी जिसने हमारे लिए एक भूमिका तैयार कर दी कि हर आदमी इंडिविजुअल जो है वो एम्पावर हो। किस लिए हो? ताकि वो संघर्ष कर सके और अपने आप और यही आपको करके दिखाओ। आप वाइसेस उड़ा लेना चाहते हैं, आप दुनिया के शिप चला लेना चाहते हैं, टॉपिक वो टैंक चला लेना चाहते हैं, क्या कर लेना चाहते हैं, तो वो क्या सिद्धता? सिद्धता तो मेरे अपने जीवन की है कि मेरा जीवन फ्रूटफुल कैसे हो, मीनिंगफुल कैसे हो, सेंसिबल कैसे हो। तो ये एक पृष्ठभूमि तैयार होती है। अब इस पृष्ठभूमि में क्या हुआ? इस पृष्ठभूमि में दो वर्ल्ड वॉर्स हुई, और अगर आपने हिस्ट्री को प्रॉपरली पढ़ा है, कम से कम यूरोप की जो वॉर्स हुई हैं वहां पर कितने सिस्टमेटिकली लड़े, जिसमें कि स्त्रियां और पुरुष दोनों को लड़ना पड़ा क्योंकि लोग कम थे, आदमी फ्रंट पे चले गए, पीछे कौन संभाल रहा है? स्त्रियों को संभालना पड़ा। तो इसलिए वहां पर वो स्पेस बना जहां पर स्त्रियों की एम्पावरमेंट की ये बातें शुरू हुई। अब दूसरी तरफ युद्ध तो चलो कुछ समय के लिए हुए, लेकिन उसके साथ आपने इंडस्ट्री को डेवलप किया। अब इंडस्ट्री को डेवलप हुआ और कॉर्पोरेट सेक्टर जब डेवलप हुआ तो आपका सिर्फ आदमियों से तो काम चल नहीं सकता था, क्योंकि आपने मार्केटिंग करनी है, आपने बिजनेस करना है, तो आपको कौन चाहिए? स्त्रियां चाहिए। तो आप स्त्री को कैसे लाओगे? उसको कहोगे कि यू मस्ट टेक अ डिसीजन, तुम अपने को एक्सप्रेस करो। जितनी एडवर्टाइजमेंट्स आती हैं उन एडवर्टाइजमेंट्स को कभी देखे ना, क्या सेंस है उनकी? लेकिन वहां पर हम दिखाते हैं नहीं, शी इज डूइंग वंडरफुल, वो तो कुछ भी हो सकती है, वो कुछ भी कर सकती है। तो आप ये सारी की सारी पृष्ठभूमि में आपने स्त्री को क्या सिखा दिया कि आपने अपने हंगर और फियर को किस तरह से करना है। आज भी आप यूरोप में देखें, यूके में देखें, वहां पर सारे के सारे संघर्ष किस चीज का है कि किस तरह से मैं ज्यादा से ज्यादा कमाऊं, किस तरह से मैं अपने सर्वाइवल को सेट करूं, उसके लिए कमाना जरूरी है और मेरी जो भूख है उसको मैं संभाल सकूं। तो सारे के सारा यूरोप, सारे के सारा यूके, क्योंकि वहां जाकर के भी मैंने अब देख लिया है और ये मैं बात ऑथेंटिकली कह सकता हूं कि सारे का सारा लाइफ प्रोसेस क्या है, इन्हीं दो चीजों के ऊपर है, आपका सर्वाइवल के ऊपर, हंगर और फियर के ऊपर। क्योंकि आपको पार्टी करनी है सैटरडे को, संडे आपने पार्टी करनी है, इंजॉय करना है, तो फिर आपको पांच दिन क्या है, हार्ड वर्क करना, चाहे वो आदमी है चाहे वो औरत है। अब इसके बाद जो एम्पावरमेंट के जो बात आती है उसको ये हमें देख लेना होगा कि वुमेन एज ए डूअर, इंजॉयर एंड ए नोअर, वो क्या जानती है, क्या समझती है, वो अपना रोल कैसे निर्धारित करती है। तो एम्पावरमेंट के रूप में आप जानते क्या है, एक स्त्री होने के नाते आप उन चीजों को इंजॉय कैसे करते हैं, उन चीजों को भोगते कैसे हैं और आप करते कैसे हैं। तो ये तीनों थ्री डायमेंशनल जो है वो एम्पावरमेंट आती है। अब इससे पहले एक बात और हम समझ लेते हैं, और इसमें भी आप इस बात को विशेष रूप से पहले इधर की ओर देख लीजिए, इस बात का थोड़ा सा ध्यान कीजिएगा, जैसे मैं पहले भी बात कर रहा था बीच में, कि फॉल्स सेंस ऑफ एम्पावरमेंट से बचें। फॉल्स सेंस ऑफ एम्पावरमेंट क्या होती है कि आप में जो रहने वाली डिजायर्स हैं, ग्रीड है, पोजेसिवनेस है, पावर जेलसीज हैं, ये इनको हम कई बार इनके साथ आइडेंटिफाई कर लेते हैं। जब मेरे साथ कोई भिड़ता है, मैंने किसी का कोई काम नहीं किया तो मुझे दूसरा क्या कहता है, अच्छा मैं तुझे बताता हूँ, तो वो एम्पावरमेंट के अर्थ में ले रहा होता है, जबकि वो एम्पावरमेंट नहीं होती, वो जेलिसीज के कारण हम अपने कुलीग के साथ क्या कर रहे होते हैं, कोई एम्पावरमेंट के रूप में ले रहे होते हैं, जेलिसीज को एम्पावरमेंट समझ लेते हैं। हम किसी के प्रति क्रोध, बच्चों के प्रति क्रोध को एम्पावरमेंट समझ लेते हैं, जबकि टीचर होने के नाते मेरा कोई एम्पावरमेंट से कोई ताल्लुक नहीं है क्रोध का। प्रभावशालिता का अर्थ है एम्पावरमेंट का, लेकिन हम कंफ्यूज कर देते हैं। तो इस तरह की जो फॉल्स सेंस ऑफ एम्पावरमेंट है उससे बचना हम टीचर्स के लिए, आप स्टूडेंट्स के लिए, सभी के लिए बहुत जरूरी है। दूसरा, उसमें कंफ्यूजन कहाँ होता है,
हम कभी ये समझ नहीं पाते कि हमारी जो है वो लिमिटेशंस है। लिमिटेशंस क्या है? इंडिविजुअलिटी की। मैं इतना ही हो सकता हूं, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। जब और अगर मैं मेरे को कोई अधिकार दे दिया गया है और मैं समझूं कि मैं दुनिया बदल दूंगा, तो ऐसी मूर्खता से बचना चाहिए। तो यू आर नॉट एम्पावर्ड एनफ। दूसरा, आपकी क्रिएटिविटी की लिमिटेशन है, आपके नॉलेज की लिमिटेशन है ना, आपकी अटैचमेंट की लिमिटेशन है। आप बहुत कम लोगों के साथ अटैच हो सकते हैं, 20, 25, 50, कितने ज्यादा, ठीक है ना। टाइम की लिमिटेशन है, और आप एक अपने साथ एक भाग्य भी लेकर के आए। आप आर्या कॉलेज में ही नौकरी कर सकते थे, आप नहीं कहीं और जा सकते थे। क्यों आए यहाँ पे? आपका भाग्य ही लेकर आया ना। और यही करते करते हमारे, मैं भी रिटायर हो गया, आने वाले समय भी रिटायर हो गया। तो ये चीज को ध्यान रखें कि ये इससे हमें एम्पावरमेंट को अलग करना होगा, यहां से हम इसमें ना पड़े, ठीक है। अब इस एम्पावरमेंट को अगर आप मूल्यांकित करना चाहते हैं कि भाई मैं कितना एम्पावर्ड हूं, ठीक है, तो उसको आप देखने के लिए ये एक फॉर्मूला है, आप इसको देख सकते हैं। आप 1 to 16 के स्केल पे सबसे पहले अपनी भाषा को, जो एम्पावर्ड होगा उसकी भाषा आप देखिए कैसी होगी। क्या वो गाली गलौच वाली होगी या वो अत्यंत संवेदनशील होगी? जिन स्त्रियों को हम मानते हैं कि वो एम्पावर्ड थी, नायडू से लेकर के और कितनी कितनी बेहतरीन स्त्रियां रही हैं, तो उनकी भाषा का स्तर क्या है? 1 to 16 पे अपना मूल्यांकन आप करके देख लीजिए कि 1 से 10 पे, 8 पे, 6 पे आपकी भाषा का स्तर क्या है। आपको पता लग जाएगा कि आप कितने एम्पावर्ड हैं। अपने कर्म को देख लीजिए कि जो आप जो भी कर्म करते हैं, खाना बनाने से लेकर के पढ़ाने तक का, उस कर्म में परफेक्शन कितनी है। अगर तो वो 16 तक की है तो फिर तो आप परफेक्ट हैं, आपको और एम्पावर होने की जरूरत नहीं है, यू आर फुली एम्पावर्ड। अगर वो 8, 7, 6 तक भी है तो यू नीड टू बी एम्पावर्ड, ठीक है। इसी तरह आप अपनी फ्रीडम का कैसे यूज करते हैं? जब आप फ्री हैं, मान लीजिए कि एक पीरियड पढ़ाने के बाद एक पीरियड फ्री है, फ्रीडम है, व्हाट डू यू डू इन दैट पीरियड? आपके पास फ्रीडम थी, आप पढ़ सकते थे, आप कुछ और चर्चा कर सकते थे, आप चुगली कर सकते हैं, आप नहीं नहीं ये आदमियों में भी यही सारी चीजें हैं, आदमी कोई अलग नहीं है। एनीवे, धर्म है, धर्म का अर्थ यहाँ रिलीजन नहीं है, धर्म का मतलब है कि जो आपका स्वाभाविक धर्म है, जिसको आपने स्वीकार किया है। इसी तरह रिलेशनशिप्स हैं, अपने रिलेशनशिप्स को आप कितने परसेंट जीते हैं, 1 to 16 के स्केल पे आपके अपने संबंध किस लेवल पे हैं, एम्पावरमेंट वहां से निश्चित होगी। बच्चों के साथ कुड़कुड़ करके निकालते हैं या समझ से, और उसी तरह थॉट प्रोसेस की भी बात है कि थॉट का लेवल क्या है, और फिर आपका इमोशनल लेवल क्या है, और नॉलेज का लेवल क्या है। तो 1 to 16 के स्केल पे आप करके देखें तो आप, अगर ये कम है 16 से तो आपको एम्पावर होने की जरूरत है, अगर आप फुली 16 तक हैं तो फिर आपको एम्पावरमेंट की नहीं जरूरत है, यू आर फुली एम्पावर्ड। क्लियर? चलिए अब हम जो सवाल हैं उनकी ओर आते हैं। क्या आप जानते हैं कि हम मात्र महिला सशक्तिकरण की ही बात क्यों करते हैं, पुरुषों की क्यों नहीं? Why woman empowerment? ठीक है, और फिर महिला को सशक्त बनाने की जरूरत क्यों है और पुरुष को क्यों नहीं? आपको लगता है कि सारे के सारे पुरुष सशक्त होते हैं घरों में? अच्छा, तीसरा एक और जो ऑब्जर्वेशन है वो है कि महिलाएं अल्पसंख्यक तो है नहीं, तो फिर भी हम उनके एम्पावरमेंट की बात करते हैं, क्यों करते हैं? तो ये तीन प्रश्न हैं जिनके उत्तर आगे हम ढूंढने की कोशिश करते हैं, ठीक है। बाकी चीजें आप पढ़ सकते हो कि भाई ये साथ में है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा, नहीं तो समय बहुत लग जाएगा। अब इससे पहले कि वुमेन एम्पावरमेंट की बातें करें, हम तीन शब्द समझ लें। तीन शब्द हैं औरत, वुमेन और स्त्री या नारी, ठीक है। औरत शब्द को बारे में किस किस को ज्ञान था? हम वो बच्चों को पढ़ाते हैं औ औरत, हमारे से बड़ा मूर्ख जड़ बुद्धि कोई नहीं है जो इस तरह से पढ़ाता है। आप देखिए कि ये वर्ड आता कहाँ से है, अरेबिक वर्ड है औरत, और उसका बनता कहाँ से, अवारह से, अवारात शब्द है, और इट डिनोट्स डिफेक्टिवनेस। औरत शब्द, ये मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा, ये आपको इसके प्रमाण मिलेंगे, ठीक है ना। डिफेक्टिवनेस, इम्परफेक्शन, ब्लेमिश, वीकनेस, जेनिटिला, लाइंस, प्राइवेट पार्ट्स,
आदि आदि ये सारी चीजें हैं। और क्या कहा गया है कुरान में, प्राइवेसी, वल्नरेबिलिटी एंड नेकेडनेस एज वेल। और क्या लिखा गया है, वुमेन आर ऑल नेकेड अवारात एंड ऑल नेकेडनेस शुड बी कवर्ड। और आप औरत शब्द के इस्तेमाल वैसे ही बिना सोचे समझे कर देते हैं। और मेरा भी ध्यान इसकी ओर अब गया जब मेरा एक न्यूज़पेपर कटिंग की ओर गया, जब मुसलमानों के मुल्लाओं ने, मलेशिया के मुल्लाओं ने फतवा दिया, जो कि टेनिस प्लेयर थी उनके देश की, और उस टाइम्स ऑफ इंडिया का ही वो था जिसमें वो आई हुई थी न्यूज, उसमें फतवा था कि शी कैनॉट शो हर अवारात। वहां से मेरा ध्यान इस ओर गया कि यार औरत शब्द के लिए कैसे इस्तेमाल हुआ। तो अगली बार जब भी आप औरत शब्द का इस्तेमाल करने लगे तो कृपया सावधान रहें कि ये शब्द हमारे संस्कृति का नहीं है, हमारे लिए नहीं है। अब दूसरा, वुमेन शब्द पे भी आ जाएं। वुमेन शब्द कहां से आया, हिब्रू में, जो बाइबल हिब्रू में पार्ट है, जेनेसिस जिसे आप कहते हैं पार्ट है उसका, उसमें मैन को इश और वुमेन को क्या, ईशा कहा जाता है। और क्या लिखा है, ईव वॉज टेकन आउट ऑफ द मैन साइड, दिस इज नाउ बोन ऑफ माई बोन्स एंड फ्लैश ऑफ माई फ्लैश, शी विल बी कॉल्ड वुमेन। वुमेन कौन होगी, विच कम्स आफ्टर द मैन। कभी सोचा, कभी समझा। अब ऐसी वुमेन को तो आपको एम्पावर करना पड़ेगा, ऐसी औरत को एम्पावर करना पड़ेगा। वहां तो एम्पावरमेंट की बात समझ में आएगी, क्यों, क्योंकि वुमेन का मतलब ही उन्होंने कर दिया कि भाई वो है, विच कम्स आफ्टर द मैन, विच कम्स आउट ऑफ द मैन। और अगर प्रॉपर अगर बाइबल पढ़ी है तो उसकी दाई पसली से पैदा किया गया, जहां की पसली से उसको पैदा किया गॉड ने, किस लिए पैदा किया, फॉर हिज प्लेयर। इससे निकृष्टतम और क्या हो सकता है, इसीलिए तो सारा जोर लगा दिया कि नहीं, उसको एम्पावर कर दो। एम्पावर करके क्या होगा, क्योंकि फंडामेंटल से आपके गड़बड़े, अरब में भी और यूरोप में भी। ठीक है, अब मैं इसमें और ज्यादा नहीं जाता, आप पढ़ सकते हैं, ये सारे रेफरेंस मैंने दे रखे हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, और उसमें दे रखा है कि वुमन के काम क्या है, प्रिपेयर द मील्स फॉर द हाउस होल्ड, टू अटेंड द वर्क ऑफ स्पिनिंग एंड मेकिंग क्लोथ्स आदि आदि, और ब्रिंग वाटर फ्रॉम द वेल ETC ETC, ये उसमें दे रखे हैं, ये पढ़ के देख लीजिएगा। ठीक है, लेकिन जब मैं अपनी संस्कृति की ओर आता हूँ, जिसको मुझे बताया गया कि नहीं नहीं ये तो पिछड़े हुए हैं, इनके ये तो थे ही कुछ नहीं, इन्होंने तो सारी औरतें जला दी दुनिया की, और इन्होंने जो है वो बस जो है औरतों पे अत्याचार कर दिए। भाई लेकिन वहां के शब्दों को तो देख लो, कितने शब्द हैं। और मुझे ये जो यहाँ पे गिना रहा शब्द हूं, इनमें से एक भी शब्द या तो आप औरत के अर्थ में या वुमेन के अर्थ में बता दीजिए। स्त्री, योशे, दबला, योशा, नारी, सीमंतनी, वधु, कितने सारे शब्द हैं। ठीक है ना, 24-25 तो यहीं पर हैं, और एक भी उसमें से आप देख लीजिए, एक भी शब्द जो वुमेन के साथ या औरत के साथ मेल खाता। लेकिन हम मूर्खों की तरह, जड़ बुद्धि लोगों की तरह, हम नहीं नहीं वुमेन एम्पावरमेंट की बात करो। अरे भाई वुमेन का अर्थ स्त्री होता ही नहीं है, तो तुम क्या बातें कर रहे हो। स्त्री के सशक्तिकरण की बात करो तो मैं समझूंगा, लेकिन हाँ कितना अनाचार कर रहे हैं और अपनी मानसिकता की हानि कर रहे हैं। तो अगली बार जब आप वुमेन शब्द का प्रयोग करें तो कृपया ध्यान दें कि वो आपकी भाषा में है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती। ना औरत एग्जिस्ट करती, ना वुमेन एग्जिस्ट करती। ये शब्द ये आप पढ़ सकते हैं, मैं समय ताकि ज्यादा नहीं लेना चाह रहा, लेकिन ये शब्द के अर्थ मैंने दे दी। हाँ महिला भी है आप, हाँ बिल्कुल, ये दे रखा है मैंने। आप देखिए, कामनी, वनिता, हाँ नारी है, बहुत सारे शब्द हैं। और सिर्फ इतने नहीं है, अब मैं आपको जो और एक विचित्र बात बताने जा रहा हूँ। जैसे मैंने इसके बारे में कहा कि ये जो है 23-24 शब्द, ये तो चलो है ही नहीं, लेकिन इसके अलावा मैं कुछ शब्द दिखाना चाहता हूँ। अब आप मुझे बताइएगा कि आप में से वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर काम करते हुए कितने लोगों ने ये, कितने शब्द आप कितना अंदाजा करते हैं कि कितने शब्द आपकी संस्कृति में होंगे जो आप वुमेन के पर्यायवाची के रूप में प्रयोग करते हैं, कितने हो सकते हैं, 20-25-50-100-200-300 या उससे ज्यादा। लेकिन हमने कभी
ढूंढा, कभी देखा? हमने तो बोला ही नहीं, हमने तो निंदा करनी थी, हमें तो बताया गया था, हमें इतिहास पढ़ाया गया, ओहो ये तो औरतें जलाने वाले लोग हैं, औरतों पे अत्याचार करने वाले लोग हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए जो है वो निकृष्ट कर्म किए, लेकिन हमारी ये वो संस्कृति नहीं है। तो कम से कम 335 शब्द तो मैं ही आपको दे रहा हूं यहाँ पे, 335 शब्द। कभी किसी, आप जो मेरे बाद आएंगे वुमेन एम्पावरमेंट पे बात करने, आप उन टीचर से पूछिएगा कि भैया आप हमें बता तो दो वुमेन और ये औरत और ये जो 335 शब्द हैं, इनमें से 335 शब्दों में से एक भी कोई औरत हो तो बता दें। बट एनीवे मैं इसमें नहीं जा रहा, क्योंकि ये अभी फिर कभी बातें करेंगे इन सारे विषयों पर। तो ये क्या हो गया, थोड़ा हैंग हो रहा है। कोई नहीं, कोई नहीं, नहीं कोई कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा टाइम कई बार लग जाता है क्योंकि बहुत सारी चीजें एक साथ इसमें चल रही होती है ना। तो बट एनीवे, तो कुल मिलाकर के ये शब्द जब आपके पास आते हैं तो आपको सोचना पड़ता है, विचार करना पड़ता है कि हमारा वस्तुतः स्थिति क्या है। अब यहाँ पर हम हैंग कर गया ये, चलिए तो चार प्रश्न हम ले लेते हैं, ठीक है। चार प्रश्न क्या है हमारे कि क्योंकि अपना भी हमें मूल्यांकन करना चाहिए, अपनी परंपरा का, अपनी संस्कृति का, विकृतियों का हमें मूल्यांकन करना चाहिए, उससे भाग नहीं सकते। दूसरों में दोष दिखाना अलग बात है, ठीक है, लेकिन अपना भी तो मूल्यांकन मुझे करना है। अगर मैं वो नहीं करता तो फिर मैं अपने से झूठ बोल रहा हूं। तो पहला प्रश्न जिसका उत्तर हम हाँ या ना में दे सकते हैं कि इस देश में स्त्री को जो सम्मान मिलना चाहिए था क्या वह मिला, ये प्रश्न है, हाँ या ना में आप उत्तर दे सकते हैं। मैं 15-20 मिनट लूंगा बच्चों आप लोगों के और, ठीक है, क्योंकि ये बातें आपको कोई और बताने वाला नहीं आया, ठीक है। दूसरा प्रश्न आपका है कि क्या स्त्रियां अपना निर्णय स्वयं ले सकती हैं, तो उसका हमारा काउंटर क्वेश्चन होगा, क्योंकि जो आपके इतिहास में जिन पन्नों को दबा दिया गया है उन पन्नों के आधार पर आप काउंटर क्वेश्चन कर सकते हैं, स्त्रियों के स्वयं निर्णय लेने में संदेह क्या है। लक्ष्मीबाई है, बाकी लोग हैं, बहुत सारी स्त्रियां हैं। और तीसरे कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो व्यर्थ के होते हैं, जिनका उत्तर बिल्कुल देने की आवश्यकता नहीं है, वो है कि स्त्री की आत्मा का मृत्यु के बाद क्या होता है। यू विल, इट्स इररेलेवेंट क्वेश्चन, मतलब ये इररेलेवेंट क्वेश्चन है, लेकिन इसके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि जब आप अपना मूल्यांकन कर रहे हैं तो यू शुड नो इट। और चौथा प्रश्न है जिसका व्याख्या से, जिसकी व्याख्या अपेक्षित होती है, स्त्री सशक्तिकरण का अर्थ आवश्यक रूप से स्त्री कल्याण या सुख है। अब ये सवाल बहुत बहुत महत्वपूर्ण है और इसका कॉन्स्टिट्यूशन में आपको उत्तर नहीं मिलेगा, ना ही कोई आपको वुमेन स्टडीज वाले उत्तर देंगे। इस वुमेन एम्पावरमेंट का अर्थ उसकी हैप्पीनेस, उसकी ब्लिस, उसकी वेलबींग है या नहीं, वो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा कि एम्पावरमेंट का अर्थ ये है या नहीं है। ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मैं एम्पावरमेंट इसलिए एम्पावर होना चाहता हूं ताकि मैं खुश हो सकूं, लेकिन इज इट सो, क्या ये तथ्य है? और आप जानते हैं कि बड़े से बड़े लेवल पे पहुंची हुई स्त्रियां भी चलिए जल्दी से इसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो वुमेन एम्पावरमेंट को बड़े सरल शब्दों में आप समझ सकते हैं कि ये उसका स्त्री का होना है, ठीक है, स्त्री का अस्तित्व है ये, ठीक है, सेंटर में है। और एम्पावरमेंट को हम कहाँ डिफाइन करते हैं, उसकी परिधि, कि तूने अचीव क्या किया, ठीक है ना। जैसे ACR में होता है कि कितने सेमिनार कराए, कितनी किताबें निकाल दी, कितने लेक्चर्स दे दिए, लटरम पटरम, ठीक है ना, जबकि वो मेरा होना नहीं है, वो तो बाहरी चीजें हैं, उनका कोई प्रयोजन भी ज्यादा नहीं है। तो इनके बीच में जो सशक्तिकरण है
या आत्मशंसिता दूसरा शब्द है, उसको भी प्रयोग करना चाहिए। और वो कितने हैं आपका, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल एंड रिलीजियस, चार एस्पेक्ट हैं आपके एम्पावरमेंट के। अब यहाँ पे मैंने शुरू में एक शब्द प्रयोग किया था, फेमिनिज्म, ठीक है ना, अंग्रेजी वाले बड़ा प्रयोग करते हैं और वो इस तरह से प्रयोग करते हैं उसको, ढाल के तौर पे और तलवार के तौर पे, ठीक है ना, कि भाई जहां पे जैसी जरूरत होती है वैसा वो प्रयोग करते हैं। तो फेमिनिज्म क्या है, द बिलीफ दैट मेन एंड वुमेन शुड हैव इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज, ठीक है, और ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी इन सपोर्ट ऑफ वुमेन्स राइट्स एंड इंटरेस्ट, दिस इज कॉल्ड फेमिनिज्म। बड़े ब्रीफली बता रहा हूँ, जितने नॉवेल्स आप पढ़ेंगे वो सारे के सारे इसी चीज को लेकर के हैं और इसी आधार पे ये सारी चीजें चलती। लेकिन उसको लेकर के एक गलत फहमी हो जाती है, उसका मतलब लोग क्या समझने लगते हैं कि डोमिनेशन बाय द वुमेन, फेमिनिज्म का मतलब है कि भी औरतों का अधिकार होगा, उसी की चलेगी। या दूसरी जो एक गलत फहमी हो जाती है कि अपलिफ्टिंग वुमेन इन एन अनइक्वल सोसाइटी टू स्ट्राइक ए बैलेंस। तो ये वुमेनिज्म को लेकर के दो पर्सपेक्टिव होते हैं। कुछ लोग इसके फेवर में इस रूप में आ जाते हैं कि नहीं नहीं हम तो सब बराबर कर देना चाहते हैं, और दूसरे होते हैं कि नहीं नहीं तुम चाहते हो कि भाई वो डोमिनेट करें, ठीक है। बाकी वुमेन एम्पावरमेंट का आपको मैंने पीछे बता ही दिया है कि सोशो पॉलिटिकल आदि आदि जो है वो आपके राइट्स होते हैं। ये जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं ये यूएनओ का चार्टर है, जिसमें आप लोगों के लिए जो है अधिकारों को निश्चित किया गया है, जैसे ह्यूमन राइट्स हैं 30 आर्टिकल्स, उसी तरह से आपके भी 30 आर्टिकल्स बनाए गए हैं। लेकिन उसमें से केवल यही है, क्या कहते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन जो है उसको वो रिजॉल्व करना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं। लेकिन जब तक आपके पास औरत जैसे शब्द हैं, वुमेन जैसे शब्द हैं, आप कैसे ये करेक्शन कर सकोगे, ठीक है। मैं इसमें ज्यादा नहीं जा रहा, ये अवेलेबल है, चीजों को देख सकते हो। और ये आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन संविधान है, भारतीय संविधान कहने में मुझे हमेशा संकोच रहता है। उसमें आपके बहुत सारे वुमेन एम्पावरमेंट और ये बहुत सारे एक्ट्स बनाए गए हैं, ठीक है ना, वो आप देख सकते हैं। और इसमें से जो इक्वेलिटी वाला, जो वुमेन एम्पावरमेंट का जो 15 आर्टिकल 15 है, उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। लेकिन बाकी जितने भी आर्टिकल्स हैं 19 वगैरह से लेकर के 198 और ये जितने भी हैं, सब में कोई ना कोई एक्सेप्शंस हैं, सबकी लिमिटेशंस हैं। लेकिन ये जो आर्टिकल 15 है, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है कि औरत जो है, स्त्री जो है, उसको पूरे के पूरे अधिकार हैं, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, उसमें कहीं कोई बंधन नहीं है। लेकिन ये सारी की सारी चीजें हैं कि औरतों को ध्यान में रख करके, स्त्रियों को ध्यान में रख करके ये सारे एक्ट्स बनाए गए हैं। लेकिन सारे के सारे आप देखिएगा कि ये सारे के सारे एक्ट्स किन के लिए हैं, हिंदू वुमेन के लिए, हिंदू स्त्रियों के लिए। और लेटर पीरियड में अब जब उन्होंने बनाने की कोशिश की है तीन तलाक और उसमें प्रोविजंस, उसका कितना विरोध हो रहा है और हुआ है वो आप जानते हैं। अब थोड़े से अपनी परंपरा की भी बात कर लेते हैं कि भाई हम तो बड़े पिछड़े हुए लोग थे, ठीक है, और हमें ये बताया गया कि मनुस्मृति में तो लिख दिया कि जो स्त्री है उसको स्वतंत्रता नहीं होना चाहिए। लेकिन आपको किसने बताया कि फ्रीडम का अर्थ स्त्री होता है, स्वतंत्रता होता है? कैसे किया आपने अर्थ? फ्रीडम स्वतंत्रता नहीं होती। स्वतंत्रता का मतलब है कि मेरा अपना तंत्र, मेरा अपनी व्यवस्था, लोकतंत्र, प्रजातंत्र। तो तंत्र कहां प्रयोग कर रहे हैं? सिस्टम के लिए। तो किसका सिस्टम? मेरा अपना सिस्टम, आपका अपना सिस्टम, दैट इज स्वतंत्र। फ्रीडम में अर्थ निकाल के दिखाइए ना जरा। किसी भी इंसाइक्लोपीडिया में, किसी भी कल्चर में फ्रीडम का ये अर्थ निकाल के दिखाइए जो स्वतंत्र शब्द का है। लेकिन नहीं, हम तो पढ़ा रहे हैं, हमें तो बताया गया कि भी फ्रीडम का मतलब स्वतंत्र। तो ये होता है कि सरकारी तौर पर पढ़े लिखे का ठप्पा लगा हुआ है तो हम पढ़ाते चले आ रहे हैं, अपना तो बुद्धि उपयोग ही नहीं की। इसीलिए वो मैंने बीच में आप लोगों को कहा था कि अपना एवेल्युएशन करके देखें, भाषा पे, ज्ञान पे, भाव पे, संबंधों पे, अगर वो नहीं है तो आपको एम्पावर होने की जरूरत है। तो एम्पावर होने की जरूरत किस अर्थ में है कि भाई अंग्रेजी की शब्दावली कुछ और है, हमारी शब्दावली और है, तो उसको हम ठीक से समझ लें, ठीक है। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं, यहां पर हम ये कुछ श्लोक है, और कहां का श्लोक है जिसको हमने जला दिया,
अरे अरे मनुस्मृति का नाम ले लिया। अरे मनुस्मृति के तीसरे अध्याय का 55वां श्लोक है। क्या कहता है, हिंदी में पढ़ लो भाई। पिता, भाई, पति, देवर को स्त्रियों का सत्कार और आभूषण आदि से उनको भूषित करना चाहिए, इससे बड़ा शुभ फल होता है। यू मस्ट रिस्पेक्ट वुमेन। लेकिन हमें मनुस्मृति चला देनी चाहिए, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है कि भाई वहां तो शूद्र की बात हुई थी, ब्राह्मण की बात हुई थी, लेकिन शूद्र कहाँ से पैदा हुआ, ब्रह्मा से ही तो पैदा हो रहा है, तो निकृष्ट कैसे हुआ। बट एनीवे, और इसी तरह से अगर आप स्कंद पुराण को देखें, क्योंकि ये परंपरा के ग्रंथ हैं, तो इनको तो कोई वुमेन स्टडीज वाला लेगा नहीं, सोशल साइंसेस में लेगा नहीं, ठीक है ना। तो माँ के रूप में, फिर केवल इतना ही नहीं, एक और आप देखिए स्कंद पुराण का, बेटी बचाओ बेटी बचाओ। अब बेटी शब्द का भी नहीं अर्थ पता होगा 99%, ठीक है। क्या कहता है वो यहाँ पे श्लोक में, वो कह रहा है कि एक बेटी 10 बेटों के बराबर है, लेकिन नहीं 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 ठीक है ना, कैसे हो सकता है। यानी कि क्या कह रहा है वो, कि जो भी फल एक व्यक्ति को 10 पुत्रों का पालन करने से प्राप्त होते हैं, वही अकेली बेटी को जन्म देने से प्राप्त होता है। जला देने चाहिए, क्यों, क्योंकि ये तो संस्कृत की बात है, ये तो मनुवादी बातें हैं, ब्राह्मणवादी बातें हैं, इनको जला देना चाहिए। लेकिन वैसे हम कहेंगे बेटी और बेटा बराबर। अब बेटी शब्द को कभी हमने देखा नहीं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अरे बेटी शब्द का ही मतलब पढ़ने वाला होता है, बटू शब्द से बेटी और बेटा बनाए, हिंदी में आके आप उसको बना रहे हैं स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में। बेटी शब्द का या बेटे शब्द का मतलब होता है बटू, जो पढ़ने वाला है, ब्रह्मचारी है। और आप क्या बोल रहे हैं, बेटी पढ़ाओ। अरे जो ऑलरेडी पढ़ रही हो उसको क्या पढ़ाओगे तुम, और बचाओ। मतलब कभी तो सोचे, कभी तो अपनी बुद्धि का प्रयोग करें, ऐसे ही बिना सोचे समझे नारा दे दिया उन्होंने और हम उठ के चले जाते हैं मूर्खों की तरह। तो इसलिए अपना समय समय पे मूल्यांकन करना जरूरी है। अब इसके बाद कुछ बातें कह के मैं समाप्त कर रहा हूं। देखिए ऋग्वेद में जो देवी सूक्त है उसमें क्या कहते हैं कि द एसेंस ऑफ यूनिवर्स, वन हु क्रिएट्स ऑल मैटर एंड कॉन्शियसनेस, द एटर्नल एंड इनफाइनाइट, द मेटाफिजिकल इंपेरिकल रियलिटी, द सोल, एवरीथिंग, दैट इज वुमेन। वो स्त्री है, वो शक्ति है, ये वो शाक्त दर्शन है। और वही से ही बातें उपनिषद में भी कही गई हैं, बिल्कुल वैसे के वैसे। देयर इज नो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन टीचिंग्स ऑफ हिंदुइज्म, इन छांदोग्य उपनिषद वुमेन है दे आर रिगार्डेड एज मच एंड दे हैव राइट टू वियर यज्ञोपवीत। ये कहां पर है, ये छांदोग्य उपनिषद में वो कहता है, पढ़ने का अधिकार तो वहां पर है ही है उसके पास, ठीक है। और ये अंग्रेजी का ट्रांसलेशन मैंने इसलिए दिया है कि कई जो हैं, क्योंकि आपके जो सुप्रीम कोर्ट है वो अंग्रेजी ट्रांसलेशन को मान्यता देगा, वो हिंदी ट्रांसलेशन को मान्यता नहीं देता। अगर आप धर्म शब्द लेके जाओगे तो धर्म विल बी ट्रांसलेटेड इनटू रिलीजन एंड इट विल बी डिफाइंड इन द टर्म्स ऑफ ऑक्सफोर्डियन डिक्शनरीज। आप ध्यान रखिएगा इस बात को, आपके भारत की कोई भी शब्दावली है वो ऑक्सफोर्डियन डिक्शनरी के कॉन्टेक्स्ट में ही ट्रांसलेट होंगी। आपके हिंदी की बातों को या देसी भाषाओं की बातों को वो स्वीकार नहीं करते, ये सुप्रीम कोर्ट में है। और आप जानते हैं कि हिंद कॉन्स्टिट्यूशन का जो अंग्रेजी है, जो अंग्रेजी में लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन है वही मान्य है, उसका हिंदी अनुवाद मान्य नहीं है, यही समस्या था थोड़ी। ठीक है ना, क्योंकि वो अगर कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगी, वो नहीं कर सकते, ठीक है। और ये इसका हिंदी अनुवाद है जिसकी मैं बात कर रहा था, जो कि मान्य नहीं होगा। अब एम्पावरमेंट तो यही है कि मैं कितना व्यापक होता हूं, मेरे भीतर से मैं तो संक्षिप्त हूं, लेकिन यहां से मैं क्या सारे विश्व को आत्मसात कर सकता हूँ, उसके साथ आइडेंटिफाई कर सकता हूं। तो ये जो है ये आपका क्या बनता है, ये एम्पावरमेंट बनती है कि मैं मेरी कॉन्शियसनेस यहां बैठे हुए, मेरा कॉन्शियस मेरा यूनिवर्स के साथ क्या संबंध है और मैं कैसे उसको महसूस करता हूँ, ये सारे का सारा उपलब्ध है। समय कम है इसलिए थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ, ठीक है। अब शाक्तिज्म को आप थोड़ा सा देख लीजिए, देवी भागवत के अनुसार क्या कहते हैं, आई एम मैनिफेस्ट डिविनिटी, अनमैनिफेस्ट डिविनिटी, दोनों ही तरह की है।
द ट्रांसेंडेंट डिविनिटी, आई एम ब्रह्मा विष्णु महेश शिवा, अरे पुरुष तो उसी से आ रहा सारा, वो सारी सृष्टि का बीज, सारा केंद्र तो वही है, तो हम किसकी बात करने जा रहे हैं? ठीक है, एज वेल एज सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती, सब कुछ वही है, स्त्री ही है। आई एम द सन, आई एम द स्टार्स, आई एम ऑल्सो द मून, सब कुछ तो वही है। आई एम फीमेल, आई एम मेल इन फॉर्म ऑफ शिवा। तो कुल मिलाकर के ये शाक्त दर्शन का आधार है। अब इसमें थोड़ी सी बातें देख लीजिए कि एनर्जी जो है वो क्या रिप्रेजेंट करती है। एनर्जी, एबिलिटी, स्ट्रेंथ, एफर्ट, पावर, कैपेबिलिटीज, ये चीजें हैं। और फिर दूसरी तरफ आप ये देखते हैं व्हाट आर द पावर्स ऑफ शक्ति, वो क्या है। पावर टू बी कॉन्शियस, पावर टू फील एक्सटेसी, द पावर ऑफ विल और डिजायर, द पावर टू नो, द पावर टू एक्ट। तो पांच तरह का आपके एम्पावरमेंट है। ये कोई नहीं सिखाएगा, ये कोई वुमन सेल वाला नहीं करेगा बात। तो आपकी एम्पावरमेंट किस तरह से होगी, इन पांच चीजों से। अगर आप आनंदित ही नहीं है तो काहे की एम्पावरमेंट। अगर मेरे पास कोई पावर आ भी गई और मैं दुखी हूं, टेंशन में हूं, तो काहे की एम्पावरमेंट। तो फिर तो इट्स समथिंग रॉन्ग विद इट, ठीक है ना, यू नीड टू करेक्ट इट। तो कुल मिलाकर के चार तरह की शक्ति है एम्पावरमेंट, जैसा कि मैंने कहा, ज्ञान, इच्छा, क्रिया और कुंडलनी शक्ति। ठीक है, अब एक और देख लेते हैं कि जो कहा गया है, एवरी वुमन हु अवेकन्स करेज विद इन हरसेल्फ इज दुर्गा। अब दुर्गा को केवल आप समझें कि भाई वो मूर्ति है वहां पे, वो उसकी हम पूजा करते हैं। नो, आई विल कॉल यू दुर्गा, मेरे लिए आप दुर्गा हैं, लेकिन कब, व्हेन यू आर करेजियस। ठीक है ना, एवरी वुमन हु अवेकन्स ट्रांसफॉर्मेशन विद इन हरसेल्फ इज काली, मेरे लिए आप काली भी हैं। एवरी वुमन हु अवेकन्स डिवोशन विद इन हरसेल्फ इज पार्वती, एवरी वुमन हु अवेकन्स नर्चरिंग विद इन हरसेल्फ इज अन्नपूर्णा, एवरी वुमन हु अवेकन्स द शिवा विद इन हरसेल्फ इज शक्ति। जो व्यक्ति को, पुरुष को जगा दे वो शक्ति है, वो स्त्री है। और हम क्या समझते हैं और क्या हमारे। और एक चीज और देख लीजिए भाई, ये भी कहां से है, देवी भागवत, देवी महात्म्य पुराण से है। उसमें ये कहा है कि सभी देवताओं से उत्पन्न हुआ और तीनों लोकों में व्याप्त वह अतुल्य तेज जब एकत्रित हुआ तब वह नारी बना। तो देवताओं ने उसे उत्पन्न किया है, पुरुष का तो पता नहीं किसने उत्पन्न किया, लेकिन स्त्री को तो देवताओं ने। तो कितनी श्रेष्ठता कहां पे चली जाती है। अब कुल मिलाकर के इस बात को हम समाप्ति की ओर लेके चलते हैं। तो स्त्री की जो कुछ प्राकृतिक सीमाएं हैं उनको हम देख लें कि शेष दुनिया के लिए वो क्या है, या तो वो आकर्षण का केंद्र बनती है या फिर वो विकर्षण का। ठीक है ना, जितने वो प्रेम में जो है वो असफल हो जाते हैं तो वो जो क्या कहते हैं, क्या बन जाते हैं, मजनू, है ना। तो विकर्षण और आकर्षण ये दो चीजें हैं। दूसरा जो प्राकृतिक रूप से है उसकी संतति, संतान, और दूसरा सौभाग्य, उसका सफलता जो है वो सौभाग्य, इन दो के साथ बंधी हुई है। और तीसरी जो बात है वो है उसकी क्रिया स्वातंत्र और सत्ता स्वातंत्र, कि उसको क्रिया करने की स्वतंत्रता है और उसका होना ये अपने आप में स्वतंत्रता है, उसके लिए वो किसी पुरुष पे, किसी मेल पे निर्भर नहीं करती। और अगर ये बात आप में आ जाती है, क्रिया स्वातंत्र और सत्ता स्वातंत्र, तो यू आर फुली एम्पावर्ड। ठीक है, अब दिक्कत कहाँ आ रही है, दिक्कत आ रही है जो एजुकेशन सिस्टम है, उस एजुकेशन सिस्टम में हम क्या कर रहे हैं, मेल फीमेल जेंडर की बात करते हैं या वुमेन जेंडर की बात करते हैं। झगड़ा यहाँ पे पड़ा हुआ है कि मेल जेंडर की बात हम करते हैं, वुमेन सेल या जितनी और भी सेल हैं वहां पे हम पढ़ाते कैसे हैं, जेंडर के अर्थ में पढ़ाते हैं। लेकिन हमें पढ़ाना कैसे चाहिए अगर सचमुच इस समाज को स्वस्थ बनाना है। स्त्री को स्वस्थ बनाने के इशू नहीं है, इशू क्या है, सारे समाज को स्वस्थ बनाना, ताकि ये इशू ही खत्म हो जाए कि वुमेन एम्पावरमेंट या मेल एम्पावरमेंट का। वो तब होगा जब आप पुरुष तत्व और स्त्री तत्व को अपनी स्टडीज में इंक्लूड करेंगे, पढ़ाया ऐसे जाएगा कि स्त्री तत्व क्या होता है। जैसे कि हर पुरुष में अर्धनारीश्वर है ना,
अर्ध हर पुरुष में स्त्री विद्यमान है, तो कम से कम मेरे भीतर रहने वाली स्त्री के गुण मेरे में विकसित तो हो, और हर स्त्री में रहने वाले जो पुरुष के गुण है उनको हमें विकसित करने की बात है। तो मोटे तौर पे ये फेमिनाइन एलिमेंट और मैस्कुलाइन एलिमेंट की ये वाली बात है कि मेरे भीतर रहने वाली स्त्री को विकसित करें, ना कि मेरे भीतर रहने वाले जेंडर भाव को कि अरे वो स्त्री है। नो, उसी तरह प्रत्येक स्त्री के भीतर रहने वाले पुरुष के जो गुण है, पुरुष का जो तत्व है, उसको विकसित करने का प्रयास किया जाए, तब जाकर के ये सारी बातें संभव होंगी। तो कुल मिलाकर के जो हमें प्राप्त नहीं है उसे हम प्राप्त करने की कोशिश करें, और क्षेम का मतलब है जो प्राप्त है उसकी हम रक्षा करें। तो भारतीय संस्कृति में जो कुछ उपलब्ध है उसको बचाएं, और जो उपलब्ध नहीं है उसको हम देखें, और अपनी अपनी जो हमसे अपनी से उम्मीदें हैं और अपनी जो कॉम्पिटेंसी है उसको भी देखें। अगर इसको हम ठीक से समझ लेंगे, इन दोनों का संबंध बना लेंगे, तो मुझे लगता है वुमेन एम्पावरमेंट जल्दी होगी। और चलते चलते एक आखिरी स्लाइड दिखाना चाहता हूँ, ये मेरा प्रयोग अभी सफल नहीं हुआ, काम मैं पूरा नहीं कर पाया। हमने व्याकरण के सूत्रों को कभी भी इन अर्थों में सोशल साइंसेस के लिए प्रयोग नहीं किया। अब यहाँ पर आप देखें कि जो पाणिनि करते हैं वो क्या करते हैं, उन्होंने पूरे समाज का एक फॉर्मेट दिया है जिसे आप संज्ञा, परिभाषा, विधि, नियम, अधिदेश और अधिकार कहते हैं। आपका सारा कॉन्स्टिट्यूशन और आपके सारे लॉज इसी अर्थ में है, ठीक है, कि डेफिनेशंस क्या होंगे, आपके नियम क्या होंगे आदि आदि, ज्यादा नहीं जा रहा उसमें। और उसमें एम्पावरमेंट का सूत्र जो है वो क्या किया हुआ है, तिगंत पदम। मैंने अभी सुबंत और तिगंत, क्रिया शक्ति और सत्ता शक्ति। सुबंत क्या है, आपके सत्ता, और तिगंत क्या है, क्रिया शक्ति। अरे भाई वही तो पद को पाएगा, पद का मतलब क्या है, एम्पावरमेंट, शक्ति, ताकत, शक्तम पदम, ठीक है ना। ये टेक्निकल चीजें हैं, थोड़े से हो सका आप लोगों को ना समझ में आए, लेकिन मैं इसका प्रयोग करना चाहता था। और आने वाला जो वेबिनार करेंगे वो पाणिनि सूत्रों के आधार पर सोशल साइंसेस को देखेंगे। अब उसमें एक सूत्र आता है स्त्रियाम एम्पावरमेंट, कि भाई यहां से स्त्रियों के अधिकार शुरू होते हैं, ठीक है। और उन्होंने पांच तरह के अधिकार दिए हैं। एक कौन सा अधिकार दिया है, टाप का, एक नीप का, एक नीच का, एक ऊंग का और एक ती का। ये पांच अधिकार हैं, लेकिन इनको मैं ट्रांसलेट करना मुझे नहीं आया, मैं इसको ठीक से इंटरप्रेट नहीं कर पाया, क्योंकि इसके ऊपर काम करने की जरूरत है, कर लेंगे, हो जाएगा। लेकिन आप कैसे इंटरप्रेट होगा, जब आप टाप में से आ रह गया तो आ शक्ति जो है वो क्या है, मेधा, गंगा, सर्वा, यानी कि वो एक तरह का, एक खास तरह के गुण धर्मिता को वो बता रहा है। तो स्त्री का एक जो है गुण धर्मिता वो आ पे, टाप पे निर्भर करता है। दूसरा नीप पे निर्भर करता है, अगर आप यहाँ देखें, भवती, पचंती, दिव्यंती, यानी कि एक्शन ओरिएंटेड है, ये नाम ओरिएंटेड है टाप वाले, और नीच, नीप, ये सारे क्या है, एक्शन ओरिएंटेड है। हाँ, ये वो करेंगे, वो कर लेंगे, और इस, हाँ हाँ, ये थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, बादाम खिलाएंगे फिर करेंगे। ऊंग जो है वो देखो फिर लक्षण के ऊपर आ जाता है, और इसी तरह ती जो है वो आपके जो है वो अवसा विशेष पे आ जाता है। तो कुल मिलाकर के पाणिनि को हमें इस तरह से पढ़ाना चाहिए कि भाई व्याकरण के आधार पे आप किस तरह से वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं। तो कुल मिलाकर के ये मैं है ही वो, लेकिन हम मूर्ख हैं, हम जड़ हैं, कि हमने नहीं कभी उसको पढ़ाया। अगर इस तरह से पढ़ाते तो कितना रुचिकर हो जाए, कितना उपयोगी हो जाए, ठीक है ना। और इसके आधार पर अभी क्वेश्चनर भी डिजाइन करेंगे, टाइम मिलेगा तो मैं वो कर लूंगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर के ये सारा वक्तव्य था जो मैंने आप लोगों के साथ साझा किया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। समय मेरे ख्याल बहुत ले लिया ये तो, लेकिन उपयोगी तो है, वो समय सीमा जो है, हानि जो है ना वो गड़बड़। बच्चों, विद्वानों को तो कोई संबोधन करने की आवश्यकता नहीं, बच्चों को। एक तो आप थोड़ी देर चुप रहे ना, अभी सर्दी की छुट्टी है ना, और ये देखो आपके लिए स्त्री सशक्तिकरण की बात जो भी कही गई, आप आशुतोष जी का धन्यवाद तो क्या दो, बहुत कुछ कह दिया इन्होंने, है ना। मैं तो एक छोटी सी बात जानती हूँ बच्चों, शिव है शक्तिया युक्त तो यदि भक्ति, पता है, ठीक है। अगर शिव शक्ति के साथ जुड़ता है तभी उसकी सामर्थ्य ऊंची है,
तो उसमें एक ई शब्द आया था ना सर, नीच प्रत्यय और नीच प्रत्यय दोनों में ई बचता है, तो वो जो ई है वो शक्ति तत्व है, आप शिव में से ई हटा दो वो शब्द बन जाता है, ठीक है। तो ब्रह्मा में उसमें आ जाएगा और विष्णु में वो आ जाएगा। अभी ये मैंने बैठे बैठे सोच और इसलिए मैंने ये बात कही कि हम इसको दर्शन शास्त्र दर्शन खासकर वो बीज मंत्र के साथ जोड़, अपने आप में थोड़ा अद्भुत है। जी जी मैम, ठीक है। तो आप सर ने बहुत सी बातें इतनी कह दी कि कुछ बचा नहीं मेरा विशेष कहने के लिए, मैं सोचता तो बहुत कुछ था लेकिन वो सर ने सबको समेट लिया। तो मैं महाविद्यालय की तरफ से और अपनी तरफ से और जो ICPR है उनकी तरफ से भी, हालांकि मैं उसका कुछ हूँ नहीं लेकिन उनकी तरफ से भी आशुतोष जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। हार्दिक धन्यवाद और हार्दिक अभिनंदन, अभिनंदन पहले करना चाहिए था वो सुनिता मैडम ने कर दिया, मैं भी दोबारा करती हूँ, ठीक है। और हार्दिक धन्यवाद सर का बहुत बहुत, और कृतज्ञता ज्ञापन करती हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा आपके लिए कम से कम और हमें भी बोध दिया, जो हम साक्ष दर्शन के हैं जी, हमने तो साक्ष दर्शन पढ़ा है लेकिन उसको आज के सिनेरियो में कैसे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ये रास्ता उन्होंने दिखाया और हमें ये करना चाहिए। आगे से जो आपका टीचर आए बच्चों आपके लिए कह रही हूँ मैं बात, उसको कहो भैया मुझे ऐसे ग्रामर पढ़नी है, सामायिनी पढ़नी है, तो उसको इच्छा ज्ञान और क्रिया शक्ति मुझे मनो की बता दो। अभी आशुतोष जी ने बात कही थी कि मनुस्मृति को चला दिया सब मेरे कॉलेज में जहां से मैं आई, अब मैं कोई जाति की बात नहीं कहना चाहती, मेरा कम से कम 20-25 दिन लगा था वो तुलसीदास जी की चौबाई ना दो दवा सुना, उस पर इतना दिमाग खाया, दिमाग ही खत्म हो गया मेरा, मुझे कहना था। और मैंने भी उनको ये बताया कि आप एक्चुअली जाके इसका मैन्यूस्क्रिप्ट देखो और वहां पे नागी नहीं नाड़ी शब्द है वो, और जिस व्यक्ति की नाड़ी खराब हो जाती है वैद्य आचरण संहिता को पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगी, तब जाके उनके थोड़ी सी बात समझ में आए। अगर हम लोगों ने क्या किया, हम एक्चुअली मैन्यूस्क्रिप्ट उसको हम उसके हिसाब से चलते हैं और फिर यो समस्या और अर्थ का अतिचार, तो वो सब जो हम करते हैं उससे हमें बचना है बच्चों। कोई आपको ये कहे कि मन ने ऐसा कहा, नहीं भाई तू घर में बैठ जा, तो कहना यत्र नागेस्तु पूज्यन्ते भी मन ने ही कहा, ठीक है। और वेद की बात अगर हम करते हैं, सर उदाहरण दिया देवी सूक्त का, वाक सूक्त अहम राष्ट्रीय संगमी वसुना, बहुत कुछ है मार्कंडेय का, सब में शक्ति के बिना कुछ है ही नहीं। तो आप ये मान के चलो कि आप जो है आप सबसे और सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, बुद्धिमती है, सब कुछ आपके पास है, आपने उसको दूसरों को देना है, इस तरह से आप एम्पावर होके जाएं। ये शाक्त दर्शन का उद्देश्य पहले था और आज वही सब बात इन्होंने चलाया, ये वुमेन एम्पावरमेंट, इसको कम से कम इनको जो आपने लास्ट में शो रखा था स्तंभ गांव का, एक कन्या जो है वो 10 पुत्रों के समान है, हमें कहीं ना कहीं ये सरकार को ये चीज कन्वे करनी चाहिए कि आप इस स्लोगन को भी वुमेन एम्पावरमेंट के साथ रखें, ताकि कम से कम जो वुमेन सेल के लोग हैं एटलीस्ट उनको ये पता चले कि हमारी संस्कृति में ये चीज कितनी महत्वपूर्ण थी। धन्यवाद बहुत बहुत। और मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर चितरंजन दयाल सिंह कौशल जी को, मेरे लिए तो वो भीम है क्योंकि मैं उनको उसी रूप में जानती हूँ, वो बहुत अच्छे बहुत बढ़िया नाटककार, बहुत बढ़िया साहित्य ज्ञाता, बहुत बढ़िया दर्शन, बहुत बढ़िया व्याकरण, मतलब क्या कहूँ, उत्तम सर्वोत्तम एक जो संस्कृत के विद्वान है वो आपके सामने है और दार्शनिक भी है। और अभी मैडम ने बहुत कुछ बताया था उनके बारे में कि उन्होंने LL भी की हुई है, बहुत कुछ उनके पास उपाधियां हैं, वो सब तो उन सब का कुछ नहीं है, वो आपको उनके एक एक शब्द बोलने से ही पता चल जाएगा कि उनको कितना ज्ञान है। आ जाओ उसका स्वागत। अच्छा ठीक है, सबसे पहले तो मैं मंत्र विराजमान युवा दार्शनिक हरियाणा के अंग्रेज जी का
जैसे आभार व्यक्त करता हूँ जिन्हें द्वारा शास्त्र चर्चा का प्रवर्तन कभी ऑनलाइन और कभी ऑफलाइन निरंतर अनेक वर्षों से किया रहा है और ये संस्कृत जगत की शान है। इनकी जो ये प्रस्तुतियां हैं निश्चित रूप से एक नई दृष्टि देती हैं और जितनी बार भी सुनो देखो उसमें इतना कुछ समझने के लिए होता है और समाधान प्रस्तुत करते हैं वे। और आज हम भाग्यशाली हैं, मैं तो भाग्यशाली आपने यह मन किया आपका बड़ी हृदय से आभार व्यक्त करूं धन्यवाद करूं क्योंकि वो मुझे उत्तर मिला है सही मायने में। आप लोग से निभा रहे हैं संस्कृत और संस्कृति का जो भाव हो रहा है उसका जो ज्ञान तत्व है प्रिय तत्व है उसको युवाओं तक बड़े उमंग से बड़े चाव से बड़ी शिद्दत से आप ले जा रहे हैं। मैं भी उसमें सहभागी बना एक तरफ आपका हृदय से आभार। अब युवाओं से देखिए आपको शक्ति का स्वरूप है सारी दुनिया ने मान दी है सारे छजन मानते हैं और भारतीय संस्कृति का रूप मान ली। और मैंने निर्णय किया कि जो मातृशक्ति है उसको जब तक हम नमन नहीं करते तो संतुष्टि नहीं मिलती। जीवन के अंदर पद यश धन हम चाहते हैं तो वो हम माता के चरणों में है शक्ति के चरणों में है और उस शक्ति की वंदना और शक्ति का सशक्तिकरण ये जो ऐसे विषय है ये हमें एक नई दृष्टि से सोचने के लिए बाधित करते हैं कि समाज के अंदर ऐसी क्या कमी आ गई ऐसी क्या न्यूनता आ गई ऐसा क्या दोष आ गया कि रावण को हर वर्ष जलाने वाले इतनी कुरीतियों फंस गए गोख में मारने लगे। दर्शन बड़ा उच्च है तो क्रिया इतनी अथवा पतन की ओर ले जाने वाले क्यों हो गई सामाजिक सांस्कृतिक संकट उत्पन्न हो गए। इसलिए इन सेमिनार्स की इन संगोष्ठियों की नितांत आवश्यकता है कि हम अपने संस्कृति के उस मूल भाव से जुड़े जो आदर हमारी संस्कृति ने दिया है उसको हम अपने जीवन में भी लेके आए। और सशक्तिकरण कैसे हो रहा है मैं युवाओं से पूछता हूं आप बच्चियां सब जानते हैं समझदार हैं किस चीज से व्यक्ति सशक्त होता है बस एक शब्द बोलना है आपने हर एक ने अपने ढंग से बताइए आप सब जानते हैं किस चीज से व्यक्ति सशक्त होता है बताइए आप एक तरफा नहीं होना चाहिए। देखो कितने ज्ञान की बातें बता दी सारा इतिहास बता दिया सारे विश्व का सन्नेरियो बता दिया किंतु आपका हृदय क्या बोल रहा है शक्ति वहां से आनी है हृदय से आनी है आत्मशक्ति उद्धरेत आत्मनात्मानम नात्मानम अवसादेत आत्मयो यात्मनो बंधु आत्मयो पुरात्मन शक्ति यहां आत्मशक्ति से आनी है बिल्कुल बिल्कुल। नारी सशक्तिकरण महिला सशक्तिकरण कोई नाम दे लीजिए जितनी मर्जी चर्चाएं शक्ति आपके अंदर से आ गई है। और आप बताइए चिंतन करके बहुत कुछ सुना है बहुत कुछ पढ़ा है किस चीज से शक्ति आ रही मेरी भी दो बेटियां हैं निरंतर चर्चा होती है और ये मेरी बेटी ने बताया है ये हम तो अशक्त है हमें नहीं आती टेक्नोलॉजी बच्चों की आती है आपको आती है तो बताइए आपको हम जाते हैं बच्चे बोले ना आपको तो सब पता है बच्चों से थोड़ी बात करनी है हाँ जी किस चीज से शक्ति आएगी इनके मन के अंदर क्या है एक शब्द बोलना है हर एक अपने अपने ढंग से हाँ जी हम तो बोलते रहे आप बताइए मैंने बता भी दिया आपको शक्ति कहां से आनी है हाँ जी वो तो मैंने बोल दिया आप कुछ नया बताइए ना वो तो मैंने बोल दिया एक आप बताइए वो आत्मविश्वास कैसे पैदा होगा
बहुत बढ़िया, शिक्षा बढ़ाने शिक्षित बनो। और नारी शिक्षा के लिए बड़े बड़े महापुरुषों ने प्रयास किया, और नारी शक्तिकरण के अंदर महिला शक्तिकरण के अंदर और हर व्यक्ति के शक्तिकरण के अंदर शिक्षा का बड़ा भारी योगदान है। और सामाजिक परिस्थितियां रही, राजनीतिक परिस्थितियां रही, कैसी रही, इस शक्ति को शिक्षा से, जिससे शक्ति आती है, शक्ति को ही शक्ति के मूल से वंचित कर दिया। कितने महापुरुष ने इतना संघर्ष किया इसके लिए। मेरे बुआ जी आर्य समाज की विचारधारा से प्रभावित थे और पुत्री पाठशाला चलाते थे, कोई पढ़ने नहीं देता। अब तो आप वो कल्पना नहीं कर सकते। तो शिक्षित बनना है, उच्च शिक्षा प्राप्त करनी है, उत्साह होना चाहिए। बड़ी समस्याएं आती हैं, और जो नारी जीवन है, महिला जीवन है, केवल मेरे भी कानों में ये बात आती है, आपके भी कानों में बात आ रही है, पुरुष को पता चले यदि उसको भी एक साल के लिए नारी जीवन में जीना पड़े, पता चल जाए उसे क्या होता है, कितना कठिन जीवन होता है। मैं सत्य सत्य बात बता रहा हूं, कितना कठिन होता जीवन। कहना आसान है, प्रशंसा करनी आसान है, निंदा गलत व्यक्ति के लोग करते रहते हैं, किंतु जीवन को जीना और जी करके समाज के अंदर त्याग से, तपस्या से एक रहने योग्य वातावरण बनाना, परिवार को परिवार बनाना, ये भाषण के द्वारा नहीं समझ सकते। तो बहुत ही आपको मेहनत करके शिक्षित होना और कहना बच्चे बनेगा। ये सार मंदिर बने हुए हैं, शक्तिपीठ बने हुए हैं, वहां ही ऊर्जा लेते हैं, ये प्रेरणा लेते हैं, शिक्षक बनने के ना लेते हैं। ये शिक्षा के केंद्र होते थे, अध्यापन के केंद्र होते थे, संस्कार के केंद्र होते थे, बावन शक्तिपीठ और ये नए नवरात्र के व्रत रखते हैं, ये सारे के सारे भावनाएं हैं, ऊर्जा के लिए है, ताकि हमारे अंदर वो ऊर्जा आए, हम संघर्ष के अंदर विजयी हों, जीवन संघर्ष के अंदर विजयी हो, किसी भी प्रकार का संघर्ष हो। तो और शक्तिकरण के लिए और क्या चीज चाहिए, शाबाश, पता बच्चों को शिक्षा भी आ गई, फिर क्या करेंगे, क्या चाहिए और, शाबाश बताइए ना, बोलिए आप ठीक बोलेंगे जो बोलेंगे आप, मैं आपके मुंह बनना चाहता हूं। शक्तिकरण के लिए शिक्षा चाहिए, ठीक है, और क्या चाहिए बोलो ना, सबको पता तो है, अर्थ शक्ति, धन शक्ति चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए। अब नोटबंदी हुई पीछे भारत से कितना पैसा निकला है बताइए, क्योंकि जो एक आप इशारा समझ गए, आप शक्ति है वो, और उसको सहेजा संवारना आपको ही आता है, वो आपको भी शक्ति दी हुई प्रभु ने, प्रकृति ने, कि आप सुखद गृहिणी के रूप में कार्य करते हैं। और भारत की कार्य की विशेषता है, जहां जीरो कहते हैं कुछ नहीं है, वहां पे बहुत कुछ है, ऐसी उनकी कार्य प्रणाली है, जीवन की शैली ऐसी है। मेरा भाव समझेगा ना, अर्थ शक्ति, और हम सरस्वती की पूजा कर रहे हैं उसका तो यही भाव है शिक्षा, जो आपने कहा हम लक्ष्मी की पूजा कर रहे हैं, वही तो कहा आप ही लक्ष्मी है, आप ही शक्ति नहीं है, जीरो, तो सरस्वती की पूजा लक्ष्मी, और क्या चाहिए, शक्ति कर रही है और क्या चाहिए, वो भी आप ही रूप है शक्ति का। हाँ जी बताइए, शाबाश, किसको याद करते हैं हम, जब भी किसी महान नारी की शक्तिशाली जाने की बात आती है सामने, कौन सा नाम सामने आता है हमारे, यहाँ भी इसमें भी डाला था, इसमें भी आया हमारा नाम, क्या बात, बहुत बढ़िया, और जीवंत, हाँ लक्ष्मीबाई का नाम आता कि नहीं आता सामने, रानी लक्ष्मीबाई, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो
झांसी वाली बुंदेले हर बोलो मुख हमने सुने एक हमारे लिए आदर्श सारी नारी जाति के लिए सारी भारतीय नारी जाति के लिए सारे विश्व की नारी क्योंकि और जो सरस्वती वंदन है लक्ष्मी वंदन है काली वंदन है हर दृष्टि से आर्थिक दृष्टि से सशक्त बनिए आर्थिक दृष्टि से और जो एक पौरुष है एक संघर्षशीलता है उसको अपनाइए। तो वही कहते हैं ना कि शिक्षित बनिए और संगठित बनिए संघर्षशील बनिए तो आप सशक्त बन जाएंगे। कोई भी व्यक्ति कोई भी परिवार कोई भी समाज कोई भी राष्ट्र जब वो शिक्षित बनता है और संगठित बनता है और जो वो संघर्षशील बनता है तो निश्चित रूप से फिर विजय को प्राप्त करता है। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयभूत ध्रुवा नीतिर मरिर मम। और मैं दो उदाहरण और देकर अपनी वाणी को विराम दूंगा। भाव होते हैं देखिए नारी शक्तिकरण की महिला लड़की अभूत कभी हुई आपको कहीं गए हो पता चला हो यहाँ वही बात काम हो रहा है और सारा ये महिला दल काम चला रहा है। एक बार नार आश्रम सब नाराश्रम जाने का मौका मिला। अच्छा हमारी एक एनएसएस की बच्ची रेणु खोल ली अब जतन गई है मुझे बोला ने 400 विद्यालयों के अंदर वो आश्रम आई भारी योग्यता के अंदर और वो आश्रम है वो आश्रम कामता में संत गोपा हमारे आश्रम उसका नाम है आश्रम। और वहां से पत्रिका निकलती है मैत्री पत्रिका वो मंगवाइए आप पता चलेगा आपको नारी शक्तिकरण क्या होता है महिला शक्तिकरण क्या होता है। आज चर्चा हो रही है उस युग के अंदर संत विनोबा भावे जी ने अपने आश्रम के अंदर जब सारा कार्यभार महिलाओं को दिया और उन्होंने इतने अच्छे ढंग से चलाया पत्रिका भी वो चलाते हैं और सारी प्रबंधन मैनेजमेंट और उनका वैतुष्य देखिए आप वैतुष्य शिक्षित नारी कहते हैं ना वैतुष्य देखिए और उनकी आंखों में चमक देखिए आप आंख नहीं मिला सकते। तो ये होना नारी शक्ति का मुझे वो उदाहरण भूलना नहीं। मुझे कभी बात करने का अवसर मिलता है तो मैं कहता हूँ कि ये बच्चियां वहां जाएं इनको लेके जाइए तब पता चलेगा क्या होता है नारी शक्ति का। बाहर निकलेंगे घर से बाहर सशक्तिकरण तभी होगा जब आप कुप मंडूक नहीं रहेंगे। कुप मंडूक रहने से सारे शक्तियों का ह्रास हो जाता है। आप कितने भी विद्वान हो कितने भी हो यदि उसका आपने एक्सप्रेशन नहीं किया सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो आप आपके अंदर टैलेंट है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होना चाहिए उसका एक्सिबिशन होना चाहिए बाहर। जब तक ये अवसर नहीं मिलेगा आपको तो आपकी सारी शक्तियां कुंद हो जाएंगी। हर किसी को हर किसी के पास जाना चाहिए चाहे कोई काम ना हो फिर भी आना चाहिए और घर में ही घूमते रहोगे क्यों बने कुआं मरुख हमको तो बाहर निकलने का बहाना चाहिए। और इसके ऊपर कविता पाठ भाषण एक भाषण आप संस्कृत में भी याद कीजिए। किसी को याद है कोई संस्कृत में भाषण नारी शक्तिकरण जितने श्लोक डॉक्टर साहब ने बताए हैं उनको याद कीजिए तभी तो आप तर्क शक्ति से उत्तर दे पूजनते रमंदे तत्र देवता यत्र शास्त्र पूजनते सर्वास्तत्र सलाह क्रिया। ये है स्मृति का वचन उन्होंने महाराज का वचन लिखा हुआ चाहिए जगह जगह। और मैं तो लिख रहा था वर्क सो क्वाइटली दैट सक्सेस में मेक इन नॉइज ये सारा सशक्तिकरण का सिद्धांत है। सशक्तिकरण का सिद्धांत सारा जी पर जी ने भैया लिखा हुआ है। मन में सोचिए कि करना है कुछ आगे बढ़ना जीवन के अंदर डब्बू नहीं बनना बेवकूफ नहीं बनना। कई कहते हैं कि धोखा देने से धोखा खाना अच्छा तो धोखा खाते रहो सही उम्र चुस्त बनना चाहिए। आपने धोखा देना नहीं और धोखा खाना नहीं तभी आपका जो नारी शक्तिकरण है सफल होगा। आपको अनुभूति होगी
कि हाँ भाई मैं भी कुछ हूं, अहम अस्मिताना, और आपने अपनी योग्यता का सदुपयोग करना है। विद्या विवाद आए, धनम मराए, शक्ति परेशान परिवर्तन आए, कलश से साधो विपरीत मेदत, ज्ञान आए, दान आए, रक्षण आए। जो विद्यावान मुनि व्यक्ति होता है, अच्छा व्यक्ति होता है, सज्जन व्यक्ति होता है, वो जब विद्यावान बनता है, ये बात नहीं करता व्यर्थ का, वो समाधान करता है और ज्ञान का प्रसार करता है। जहां तक कोई ज्ञान की किरण नहीं पहुंची है, वहां तक पहुंचाता है, हस्ताक्षर करना सिखाता है, कम से कम हस्ताक्षर करना आ जाए, कुछ पढ़ना लिखना आ जाए, जमा खटा आ जाए, एक पढ़ाए पांच, में हमारा बहुत योगदान करते रहे। और धन मदमती बढ़ाने के लिए नहीं, प्रदर्शन करने के लिए नहीं, दान के लिए, सात्विक दान, दातव्य मिते ये दानम, दीयते ये दुकारिणे, देशे काले च पात्रे च तद दानम सात्विकम सुकृतम। तो ये जो तद दानम सात्विकम सुकृतम जो कहा गया है, तो आपको प्रेरणा दी है, भारतीय प्रेरणा दी है, दान की आपकी जेबें भरी रहेगी। दान करते हो, युवा विद्यार्थी बच्चे बताएंगे, दान करते हो कुछ, हमारे क्षेत्र में बहुत दान करते, तो आपकी प्रेरणा से हम लोग भी थोड़ा बहुत दान करते हैं, जो पुण्य अवसर होते हैं उस पर दान निकालते हैं। आदमी तो भूल जाता है, उनको पता है पितरों के लिए भी है, विष्णु के लिए भी है, ठीक है ना, दादा दादी के लिए भी है, तो हाथ जोड़ करके दान, तो सारी जो भारतीय संस्कृति की दान परंपरा है, वो भी आपके कारण जीवित है। और मैं तो कहता हूं, यदि आप चाहते हैं कि आपकी जेबी भरी रहे, तो दानशील बनी रहे। तो विद्या विवाद आए, धनम मद आए, शक्ति परेशान परिपीडन आए, खलस से साधो विपरीत मेदत, ज्ञान आए, दान आए, रक्षण आए। शक्तिशाली बनना है रक्षा करने के लिए, और फिर देखिए आपकी शक्ति गुरु कृपा से कितने गुना और बढ़ती है। मैं अधिकरण कहते हुए एक बार फिर, आपने मेरी बात को ध्यान से सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक मिनट बैठ जाइए बच्चे, अभी यहाँ जाइए, बस एक मिनट। आपका बहुत ही अच्छा व्याख्यान रहा सर। आपने बताया कि मातृशक्ति को नमन किए बिना हमें संतुष्टि नहीं मिल सकती। आपने कहा शिक्षित बनिए, संगठित बनिए और संघर्षशील बनिए, और भारतीय संस्कृति में दान के महत्व पर आपने प्रकाश डाला। सर मैं यहाँ पर एक जो धन की तीन गतियां हैं, दान देना, भोग करना और नाश हो जाना, ये धन की तीन गतियां हैं। तो जो ना दान देता है ना भोग करता है, तो इसलिए हम सभी को दान लेना। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आशुतोष सर जी का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे बीच आए, और हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर चिरंजन दास जी आप हमारे बीच पधारे, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चलो।